हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सुबह ही सुबह हो गई है, काफ़ी जल्दी आज भी। ठीक है, बस अभी निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नाश्ते की तैयारी करने, नाश्ता वगैरह लेकर आता हूँ, नाश्ता करते और देखते हैं, अभी कुछ काम है। ठीक है, तो पहले नाश्ता वगैरह से फारिग होते, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मिलते, बने रहिए। सो गाइस, बहुत टाइम से घर पे ही थे और फिर आया अम्मी का कॉल फ़ोन पे, ये कह के कि फातिया है घर में नए वाले, और हमको खुद ही नहीं मालूम, बताओ एंड मोमेंट में मालूम पड़ा है। फिर उसके बाद में फिर हमने मेरी सास को भी कॉल करे, फिर उसके बाद में बोले मम्मी को भी कि ऐसी की बात ऐसी है, आना ये वो करके, तो अभी हम तो निकल नहीं रहे थे, रुके थे थोड़ी देर के लिए। फिर हमें जैनब का भी कॉल पर कॉल चालू हो गया था, आई नहीं, तो फिर मैंने मैंने बोला ठीक है, तो मैंने ठीक है चलेगा, तो फिर अभी निकल रहे हम लोग, तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो अभी आए तो फ्रेम यहाँ पर पहुँच गए, काकू बैठे थे, काकू देखो वहाँ पर बैठे आके, काकू पहली वीडियो तो अभी हम लोग आए, अभी सब प्रॉब्लम पहुँच के लेंगे। नोड़ी देखो हमारे घर का, ये दिखा रहे नोड़ी, तो भी दिखा। तो यहाँ पर देख सकते हो नए घर की कुरान शरीफ लाए अम्मी ने, बहुत ही प्यारी लग रही है, पैकेट में ही देख के तो इतनी प्यारी दिख रही है। अभी पूरा ओपन करेंगे हम, देखते हैं। माशाल्लाह सब ये देख रहे हैं कि इसको रखने के लिए थोड़ी स्पेस, क्योंकि यहाँ का कांच है वो छोटा है तो उसमें फिट नहीं आएगी, अगर खड़ा करके रखे तो। गाइस, शिरन काम कर रही है और ये नोडी सिर्फ टाइम पास है ना। हेलो गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। अभी मम मोगरा काट, अभी मम मोगरा काट रहे, मोगरा नहीं रे, खोपरा। अम्मा नए घर का गैस चालू किया और खाना पका रहे, और देखो हमारे आंटी बेटे यहाँ, और हमारे काकू बैठे हैं, निकाल रहे चाय और चाय की छन्नी देखिए गाइस, आप तो प्लीज कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। सिंगल के टॉप में चाय, यस, और वो भी लवंग इलायची डाल के। और यहाँ पे चावल अम्मी ने ऑलरेडी कुक करके रख चुके हैं, अभी मीठे चावल के लिए हो जाएगा, बाकी सारी चीजें रेडी है, मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ। तो यहाँ पर अभी अम्मी मीठा चावल बना रहे, मीठा चावल और मिल्क मेड डाला जा रहा है इसमें, चावल बन के रेडी है, बाकी का जो प्रोसीजर वो सब अम्मी ने कर दिए इसका। और कच्चा नारियल डाली इस टाइम मैंने, मावा नहीं डाली बस, क्योंकि अभी घाई बहुत है, घाई अम्मी ने बना रहे। और यहाँ पर चाय, तो गाइज यहाँ देख सकते हो जैनब को सजाने का तो इतना शौक है, पूरा ऑलमोस्ट ये घर तो उसी ने सजाई है, और आधी मेहनत बोले तो कैफ की है, आना जाना कहीं पर भी है, और आधी से ज्यादा मेहनत तो जैनब की है, ये सब डिजाइन विजाइन करना, वॉलपेपर 99% दीदी का पूरा, हाँ, और 89% कैफ का है। 99 में 100 में से बचा 1% नशरीन, 89 कहाँ से दे रही है? अरे मैं तुमको 89 दे रही। अच्छा वैसा, अरे साइको आदमी, ये वॉलपेपर की पसंद सब जैनब ने करी है, बस ये वाला वॉलपेपर जो था ये इसमें याद भी नहीं करे। और यहाँ पर अभी देखो परफ्यूम सजा रही है, और लाइट वाइट हर चीज़ें, झूमर वूमर, ये सीलिंग अम्मी का पैटर्न वैटर्न सब इसकी पसंद का है, और लड़की की। अब यहाँ पर सुमित भाई हेल्प कर रहे हैं कि परफ्यूम्स रखने में, कितने सारे परफ्यूम्स है कि अभी अभी सिर्फ यही नहीं है और भी है बाकी, और कैसा ना कि यहाँ पर जो मतलब लाइक बहुत रेयरली अम्मी यूज़ करते हैं वो है, और जो दूसरा वाले घर पे वहाँ पर भी बहुत सारे कबर्ड में रखे हुए परफ्यूम्स। मैंने यहाँ पर एक परफ्यूम लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको देखो इसके तो मजे एकदम, दिखा दिखा अमित भाई, अमित भाई बोल रहे
ये देखो आईफोन भी निकल रहे परफ्यूमों में, क्या यार। ये देखो लगेगा झूठ लोगों को, तो भी ओपन करके दिखा रही नया आईफोन। ये कितना गलत है, तुम लोग ऐसा रखना जरा भी सटक उटक जाता तो। अरे क्या कर रहे, इसको दोपहर को भी एक मिला कबर्ड के अंदर, देखा ले भी रख दे। आई आई लड़की निकल गई। सो गाइस ये जो है ना बेडशीट नोवेल्टी की, तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था कि अरे एड़ा बनाया पब्लिक ने, एड़ा बनाया आपको दुकान वाले ने, एड़ा बनाया। सो यहाँ पर मैं फिर भी आपको ये बेडशीट का जो टैग है ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर MRP देख सकते हो 8000, और जो चीज़ है उतने की तो है उतने की। बस हम थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए देते हैं चीज़ों की, ज़रूरी नहीं हम शो ऑफ करते, हम जानकारी देते हैं कि लोगों को कि अगर पसंद आती है तो वो अगर परचेस कर सकते तो वहाँ से जाके ले ले, नहीं तो हमको क्या करना है बोल के। इतना चीख मार मार के अम्मी लेके गई सब लोग को रूम दिखाने के लिए अंदर। यहाँ पर खाना भी आ चुका है, सबके नाम पे एक एक बार पहले हुजूर पाक से स्टार्ट, बाद में सबके नाम से। So, मैं यहाँ पर क्रेडिट दे रही हूँ। यहाँ पर कैट आइस के साथ नैश, नैश जरा इधर देखना, ये देखो कैट आइस के साथ नैश खाना निकालते हुए। खाना निकाल रहे हैं, जनाब जी को पहले बिठा दिए हैं, बोले कि पहले खाना जनाब जी खा लेंगे। मम्मी आप दस्तरखान भी मैचिंग है बोलते मम्मी, यस मैं मतलब ये भी आदमी हाथ साफ कर रहे बीच में आके खाना खाने बैठ रहे। तो यहाँ पर क्या चीज करके मेरे को बुलाई है इसने, तो जूस जो भी चाहिए आंसर ले लिया, मैं निकालने वाली नहीं हूँ। क्या बुलाई रहे इसने मुझे गाइस, इधर इधर शूट करते हुए आना, तो जूस तुम लोग ही पीने का ले लो। आई थैंक यू, ये देखो इतने अच्छे से मेरे को बुलाई है इसने। अभी शूट करो, देखो सब शूट करो, सबको लगाइए शूट करो। यहाँ पर बैठे सब खाना खाने, सब बनाने के लिए जूस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله। So guys, अभी हम लोग आए हैं झामा स्वीट्स, मतलब मैं आया हूँ क्योंकि मम्मी आ गए थे और मम्मी सेफ के साथ है, तो आते आते ऑन द वे उनको लेने नहीं हुआ मिठाई वगैरह कुछ भी, तो इसके लिए अभी आ गए हम लोग मिठाई लेने। अभी वहाँ घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। मेरी समधन आई है, देखो कदम डाले, अपना शुभ शुभ आई है इधर।
तो यहाँ पर आए हम लोग एंट्री करे। आपकी सासू माँ का घर? यस। ये तो आज ही साइट की ज़ेनब दीदी ने पूरा परफ्यूम का ना अच्छा लगा। तेरी माँ की चॉइस है, बोल क्या सकते, अच्छी जाएगी। गाइस यहाँ पर हमारे आंटी लोग पागल हो चुके हैं। क्या बोले? अरे वाह मम्मी हंस रहे। इससे जरा मुंह छुपाते बेटी। समदन को भी ले इधर कुछ चाक चालू यहाँ पर। आत्मा है ना यहाँ तो भटकती आत्मा, इसको लेके नहीं जा रहे थे एक्चुअली। हम लोग जा रहे थे छोड़ने के लिए, अम्मी ने बोली कि कार से छोड़ दो तो ये इंतजार में, क्योंकि अम्मी लोग कहीं जाने वाले अभी इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे थे मम्मी को छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे टाइसन लोग के लिए बना, तो हम लोग बोले कि साथ में चले आएंगे। तो ये मेरे को बोली तू भी जा रही, मैंने बोली भाई घर में बैठे बैठे क्या मर जाओ। तो ये अभी ये लड़की होती थी, फिर हमने मम्मी ने बोले कि चल चल चल, इसको भी ले लिए और अभी हम लोग निकल गए जा रहे हैं बैंड्रा ड्रॉप करने मम्मी को। चलो आपसे बैंड्रा पहुँच के। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपना किधर है हजार बार आइए फिर भी एक ही चीज माउंट वैली के यहाँ पर। और अभी यहाँ पर जैन अपने कैंडल्स देख के बोलती है कि तूने यहाँ पर आके कैंडल चढ़ाई थी क्या बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग जो है कैंडल्स लगाते हैं बच्चों के लिए, घर के लिए, या फिर किसी का हाथ पैर का कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके लिए। और यहाँ पर जो दरगाह है यहाँ पर ये रास्ता है, एक जो लकड़ा लगा है ना यहाँ से रास्ता है। क्या दरगाह पे मेरे को हमेशा, मैं आप लोग को शूट करते हुए यही बोली रहूंगी कि आदमी मेरे को लेके नहीं आता, मेरे को जाना है दरगाह पे। तो चला देखेंगे जब हुआ नसीब में तो जाएंगे भाई। बस यहाँ से नीचे उतर, अभी नीचे उतर के लेफ्ट मारेंगे तो मेरा बंगलो आ जाएगा। तो मैं बंगलो पे अभी मैं जा रही हूँ। ये एक हफ्ते तक बुखार में रहती है लड़की बंगलोज यहाँ के देख के। ऐसे नहीं, सिर्फ वो एक घर जो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से पानी कितना प्यारा लग रहा है। मेरा सलमान खान मुझे कुछ नहीं दे सकता, मेरा सलमान खान कुछ नहीं दे सकता बोल रही है। ये देखो गाइस, ये है मेरा सरकार हेरिटेज। यस, नहीं नहीं इसकी बात नहीं करी, जो नहीं यहाँ पे कोई था ना, इस तरफ नहीं देखना है कुछ भी, इस तरफ जो तुम देख रहे हो ना वो सब नहीं देखना है, बाकी सीधा चल। बाप रे, घूम फिर के इस तरफ बंगला था क्योंकि उस तरफ लड़कियां हैं, है ना। और ये रहा लड़कियों को देखते तो तू कौन पता नहीं यार, मैं कौन हूँ जो मेरे को देखता ही नहीं आदमी। देखो यहाँ पर SRK के फैंस खड़े, ये देखिए गाइस चारों, ये काम पटाए रहे। सो गाइस हम लोग को बैंड स्टैंड पे तो कोई बूस्ट वाला दिखा नहीं था, हम लोग काटा रोड आए थे तो काटा रोड पे तो एक बूस्ट वाला मिला। तो कैफ ने एक ही लिए, पता नहीं क्यों, एक लिए मैंने बोली थी क्यों, तो बोले कि नहीं तू उसमें से दे देना अगर बचा के थी तो। ठीक है, जैनब ने तो मना कर दी, उसको नहीं पीना था, तो बस बूस्ट ले लिया, अभी निकल रहे घर के लिए। सो गाइस मम्मी को ड्रॉप करके काफ़ी देर तक हम लोग बिल्डिंग के नीचे बैठे थे जैनब के साथ। थोड़ी जैनब की तबीयत भी सही नहीं है तो उसी वजह से उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया आज। थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो बैठ गया, हाँ उसको बात करनी थी कुछ, क्योंकि मैं बहुत दिन से उसके साथ क्लियरली बात भी नहीं करी थी, तो उसको ऐसा थोड़ा सा मन बोझ जैसा था, तो मैंने उससे बात करी, उसको थोड़ा बहुत समझा के आई हूँ। और मुझे खुद तो समझ आता नहीं, फिर भी मैं उसको समझा ली। और मैं काजू से बोली भी एक चीज़ कि जब मुझे तो अभी थोड़ी मैच्योर हो गई है, अभी मेरे को समझाने लगी है, पहले नहीं थी तो ऐसी, मतलब वक्त के साथ हर चीज़ें चेंज हो जाती है कि नहीं गाइस। तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ ही गए मेरे में भी। और बस अभी घर पर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हंस क्यों रहे कुछ नहीं यार, मैच्योर नहीं हुई हमें एक बच्चे की माँ बनना गया, हंसो मत। तो गाइस बस अभी घर पर पहुँच, मैं तो बना अभी ना कसम से मुंह तोड़ दूंगी।
दूसरों को चीजें समझाने के लिए मैच्योर रहती है, खुद की चीजें समझने के टाइम पे मैच्योरिटी कहा जाती है पता नहीं। तो गाइस बस घर पर आ गए और अपना घर हक के बढ़ दूसरों का घर थूक का डर, बस आ गई सुकून से, नाइटी पहनूंगी मस्त लेटूंगी। मैं हॉरर साउंड क्यों कर रही थी, जब मैं खुश हूँ तो अच्छे वाली साउंड करने में तो हॉरर साउंड कर। तो इस बस अलहमदिल्ला अच्छे से फातिया वातिया हो गई घर में, फातिया दिए ना घर फातिया सॉरी, तो फातिया हो गई घर में अलहमदिल्ला अच्छे से। और देखो ये कपड़े धोए हुए थे गाइस, इतने दिनों से यहीं पड़े ये उठने नहीं वाले, तो घर पर आके आइए फ्रेश फ्रेश होके सीधा जाएंगे सोने के लिए। और गाइज बस यहीं ख़त्म होता है आज का हमारा दिन, आई होप आप लोग को ये छोटी मोटी वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइज, लव यू ऑल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और ठंडी में मुझे क्या खाना चाहिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट करके भी बता देना। अल्लाह हाफिज़।